पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से पिता आज की प्रभु जी में ओ शुक्रवार प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में प्रभु जी मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख में प्रभु जी मैं झुकता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से पिता आज की प्रभु जी सुबह की बेला में ओ मॉर्निंग प्रेयर में मैं प्रभु जी अपने जीवन को तेरे सम्मुख में सौंपता हूँ। आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आप प्रभु के लिए 5 मिनट निकालोगे, 5 मिनट आप निकालोगे प्रभु के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह इस 5 मिनट में आपके जो है जीवन के सारे जो है आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या प्रभु प्रवेश और आपकी समस्या से निकाल कर आपको नया जीवन देगा। आर्थिक तंगी से आपको जो है निकाल कर वो परमेश्वर नया जीवन देगा। इससे पहले आइए सब लोग जो है कुछ क्षण धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, योजनाओं को सफल करने वाला मेरे पराक्रमी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की भोर के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हमको नया दिन दिखाया ओ प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने जोड़ा उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे जीवन में प्रभु जी आपने कष्ट आया, दुख आया, मुसीबत आया, फिर भी प्रभु जी हमको नाश नहीं होने दिए पिता, लेकिन प्रभु जी हमको आपने बचाया, हमको आपने छुड़ाया और प्रभु जी हमको आपने नष्ट नहीं होने दिया पिता, लेकिन प्रभु जी हमको आपने ओ प्रभु जी उस प्रभु जी समस्या से निकाला और प्रभु जी आज की सुबह के लिए हमको आपने प्रभु जी एक अवसर दिया और मौका दिया कि प्रभु हम आपके साथ कुछ क्षण प्रभु हम संगति कर सकें, वो कुछ क्षण प्रभु जी हम आपके साथ जो है अपने प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता बातों को हम आपके साथ शेयर कर सकें। ऐसा प्रभु हमको आपने समझ और बुद्धि ज्ञान दिया, ताकत दिया, उसके लिए मैं आप कोटि कोटि और लाख लाख बार आपको धन्यवाद का वो बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, यस मेरे प्रभु जी, धन्यवाद पिता। अगम ज्योति में निवास करने वाला पराक्रमी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, ओ सारे सृष्टि के मालिक मेरे परमेश्वर पिता यीशु पापा, आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर पिता जितने आज तुझे आज प्रभु आज फास्टिंग प्रेयर में तुझे आज बड़े समर्पण के साथ विश्वास के साथ पुकार रहे मेरे परमेश्वर पिता, और आज जहाँ भी है मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो जिस भी स्थिति में जैसे भी पुकार रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी उनकी प्रभु जी आर्थिक तंगी यीशु के नाम से आज खत्म होने पाए पिता। ओ प्रभु जी आज कई लोग दर दर भटक रहे थे, इधर उधर प्रभु जी अपने जीवनों को प्रभु जी लेकर जा रहे थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी आज तू उनको ब्लेसिंग देने वाला है, आज तू अपने सामर्थ्य से भर देगा, आज तू उनको प्रभु अपने सामर्थ्य से भर देगा, नया जीवन देगा मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करता हूँ, विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आज फास्टिंग प्रेयर में जितने मसीह भाई बहन समर्पण के साथ विश्वास के साथ प्रभु जी ओ प्रभु जी विश्वास के साथ प्रार्थना में आते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज रोते रोते आते पिता, लेकिन आज तेरे भवन से प्रभु जी वो कभी खाली हाथ ना जाने पाए पिता ओ प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता एक बड़ी आशीष और आत्मिक उन्नति को लेकर जाने पाए ओ प्रभु जी, एक बड़े बदलाव को लेकर जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज तू प्रभु जी परिस्थिति और स्थितियों को तू बदल देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि आज जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हैं, वो जितने प्रभु तेरे निकट में बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज उनके सारे प्रभु जी आर्थिक समस्या वो आर्थिक प्रॉब्लम ठीक होने पाए पिता, और गरीबी निकल जाए, वो आर्थिक तंगी निकल जाए मेरे प्रभु जी, आज छू लो पिता मेरे परमेश्वर पिता, आज तू टच कर प्रभु जी, आज छू कर हरेक जन की प्रभु आज समस्या को निकालो प्रभु जी, हरेक जन की प्रॉब्लम ठीक हो जाने पाए पिता, हरेक जन की दिक्कत सामना है प्रभु आज पिता दूर हो जाए प्रभु जी, ओ दूर हो जाए पिता। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आज प्रभु एक एक क्षण मसीह भवन से आप बोलेंगे और बातचीत करेंगे मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आज हरेक जन को पिता आप छुएंगे मेरे परमेश्वर पिता, आज हरेक जन को आज टच करेंगे मेरे प्रभु जी, आज पिता उनकी स्थिति और परिस्थिति बदल देगा प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज पिता, सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रार्थना उनके लिए उन्नतिकरण होगा मेरे प्रभु जी, आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आज उनके परिवार से, उनके घर से, उनके प्रभु जी जीवन से, खुद के प्रभु जी उनके परिवार से आज आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रॉब्लम आज निकलने पाए, मैं विश्वास करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 महान महिमा में परमेश्वर पिता, ओ दयालु प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, आज प्रार्थना करो प्रार्थना करो, कोई चुप मत रहो, आज प्रभु को धन्यवाद करो, आज जो भी प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आप अपने खुद के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने बच्चे जो है बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे
आप जो है किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज प्रभु को पुकार होते ही दिल से सच्चे मन से ढूंढोगे, आप सच्चे मन से पुकारोगे, वो परमेश्वर आपके सारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, लेकिन वो हर वक्त जागता रहता है। और आज इस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा जितने लोग आज बड़े समर्पण के साथ विश्वास के साथ प्रभु तेरे पास में बैठे हैं, प्रभु तेरे निकट में बैठे हैं, वो प्रभु जी आज प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता ये प्रार्थना वो जहाँ से भी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, अगर ये प्रार्थना प्रभु जी सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो आज प्रभु जी उनके जीवन से आज तू प्रभु जी बड़े अद्भुत कार्य को करवाना मेरे परमेश्वर पिता, आज बड़े अद्भुत कार्य उनके जीवन से होने पाए मेरे प्रभु जी, आज पिता एक महान प्रभु जी कार्य उनके जीवन से होने पाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सचमुच में बदल देंगे मेरे प्रभु जी, आज पिता सचमुच में आज हर एक जन की परिस्थितियों को बदल देंगे मेरे परमेश्वर पिता, आज हर एक जन की परेशानियों को दूर करेंगे मेरे प्रभु जी, वो महान परमेश्वर पिता आज हर एक जन को छूकर टच भी करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। आज जो भी परमेश्वर पिता आज मांग रहे हैं प्रभु जी इस फास्टिंग प्रेयर में उपवास प्रार्थना मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आज तेरी ज्योति उन पर चमकने पाए, आज प्रभु जी आज अपने लहू में प्रभु जी आज छूकर आज अपने लहू में प्रभु जी आज छुपाकर ओ सारे समस्या निकल जाए, ओ सारे संकट दूर हो जाए, ओ सारे मुसीबत दूर हो जाए मेरे प्रभु, आज छूकर टच करना मेरे प्रभु जी हालेलुया, ताकि परमेश्वर पिता सारे प्रॉब्लम वो जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हैं आज प्रभु जी विश्वास के साथ सभी जन प्रभु जी कहने पाए कि जिंदा परमेश्वर तू मुझे बचाता है, तू मुझे छुड़ाता है, तू मुझे चंगाई छुटकारा देगा, तू मुझे चलाएगा, क्योंकि वचन में कहता है जो कोई परम प्रधान छाया स्थान बैठेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु जी आज हम तेरे सम्मुख में आज ठिकाना पाए, और प्रभु जी आज प्रभु जब तेरे पास में बैठे पिता तेरे प्रभु जी हुजूरी में बैठे प्रभु जी सब जन पिता आज प्रभु एक आशीष और प्रभु जी बरकत को लेकर जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता आज प्रभु जी जितने तेरे पास में बैठे हैं आज पिता वो सब जन प्रभु जी आज प्रभु जी उनकी प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी वो सारे सृष्टि के मालिक दया करो यस 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 यस। हरे जन की प्रभु जी प्रार्थना को सुनो मेरे परमेश्वर पिता, हरे जन की प्रभु जी प्रार्थना को उत्तर देना मेरे परमेश्वर पिता, आज ब्लेस करो मेरे महान परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने आज प्रभु तेरे पास में बैठे हैं और जितने प्रभु तेरे निकट में बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता सब जन को प्रभु आज छू लेना पिता, और सब जन को मेरे परमेश्वर पिता टच करना, और सब जन के प्रभु जी आज प्रार्थना को सुनकर तू उत्तर देना। आज सब जन प्रभु जी बड़े आशीष और उद्धार चंगाई छुटकारा बरकत को प्रभु जी वो प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि जितने तेरे पास में बैठे हैं मेरे परमेश्वर पिता आज सभी जन प्रभु जी चंगाई और छुटकारा तेरे आशीष और बड़े बरकत को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 दयालु परमेश्वर पिता, दयालु तरस से भरा हुआ वो जीवन देने वाला परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु जी आज की भोर में पिता हमको आपने अवसर दिया, हम पापी मनुष्य को हम तुच्छ मनुष्य को परमेश्वर पिता और सीने से लगा लिया प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता गले से लगा लिया मेरे परमेश्वर पिता। आज तू प्रभु सचमुच में एक एक जन की प्रार्थना को सुनता है और प्रभु जी आज एक एक जन की प्रार्थना को उत्तर देता है मेरे प्रभु जी। और पिता मैं विश्वास करता हूँ कि जितने आज पिता बड़े समर्पण साथ विश्वास के साथ प्रभु जी ओ कड़ी मेहनत के साथ पिता तेरे पास में प्रभु जी अपने अपने घर और द्वारों को छोड़कर तेरे पास में बैठे एक आशा विश्वास के साथ तेरे पास में आए हैं मेरे प्रभु जी, आज वो कभी लज्जित ना होने पाए, आज वो कभी गिरने ना पाए प्रभु जी, आज वो कभी उनकी आशा और विश्वास टूटने ना पाए, लेकिन प्रभु जी दिन और प्रतिदिन प्रभु जी वो तेरे विश्वास में तेरे प्रभु जी संगति में प्रभु आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज तू बदल दे उनकी प्रार्थना को, तू सुन ले मेरे परमेश्वर पिता, आज तू हर एक जन की परिस्थिति बदल जाए। मैं विश्वास करता हूँ सारी प्रार्थना को आप सुनेंगे मेरे परमेश्वर पिता, ओ सारी प्रार्थना को उत्तर देंगे मेरे प्रभु जी, ओ हालेलुया दया से भरा हुआ परमेश्वर पिता आज सारी संकट मुसीबत दूर होने लगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता आज सचमुच में बदल देंगे मेरे प्रभु जी, यस 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 हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी आज तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता, ओ दया कर अपने लोगों पर तरस खा मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। राजाओं की राजा प्रभुओं की प्रभु जी ओ सारी सृष्टि के बनाने वाले पिता, ओ सारी सृष्टि को सृजने वाले मेरे महान परमेश्वर पिता आज प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आज पिता हर एक जन की परेशानियों को दूर करेंगे, हर एक जन की प्रभु जी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता जो 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 तेरे बेटा और बेटी तुझे वो मांग रहे हैं पिता आज प्रभु देंगे मेरे परमेश्वर पिता, और सारी प्रार्थना को आप सुनेंगे
सुनेंगे मेरे प्रभु जी, ओ सारी प्रार्थना को आप सुनेंगे मेरे परमेश्वर पिता, और सारी प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर भी देंगे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, दया करो प्रभु जी, आज दया करो पिता, आज प्रभु जी एक झन प्रभु जी तेरी आत्मा से भर कर पिता अद्भुत रीति से चंगाई को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, कि आज पिता इस भोर में पिता प्रभु जी एक लक्ष्य को एक जोश और जुनून का लेकर प्रभु जी आप प्रभु जी आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी मैं जीऊंगी और मरूंगी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, ओ प्रभु तेरे पीछे चलूंगा मैं, प्रभु तेरे निकट में रहूंगा मैं, प्रभु तेरी हुजूरी में रहूंगा। आज सब लोग कहें प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके निकट में, प्रभु आपके जो है हुजूरी में है, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को उत्तर देगा, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको मेरे को इधर नहीं ताकना झांकना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको जो है बचाने वाला परमेश्वर है, हमको जो है उस पर संकट से उस दुख से मुसीबत से हमको परमेश्वर निकालेगा। इसलिए आपको आज मैं कहता हूं कि आज जो भी प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमको बचाने वाला परमेश्वर है, हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को पुकारो आप जिस भी स्थिति में जैसे भी हो आपको उस समय पुकारना है, पुकारना है, पुकारो पुकारो पुकारो। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, वचन में कहता है तू मुझसे प्रार्थना करेगा, हम जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु से मांगेंगे नहीं, प्रभु से हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा उस। इसलिए आपको मेरे प्रभु डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु के सम्मुख में बिल्कुल जो है समर्पण के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा उत्तर देगा। हालेलुया पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आज पिता एक एक झन के लिए आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके सारे प्रॉब्लम सारी चिंता मुसीबत दूर होने लगे। और आज पिता दिन की शुरुआत प्रभु एक प्रार्थना के साथ किए हैं पिता, और सारे झन के कार्य सफल हो जाए, सारे झन के काम सफल हो जाए, उनके लिए नए नए मार्ग खुलने पाए, नए नए रास्ते खुलने पाए, आय के स्रोत बढ़ने लगे, आय के स्रोत प्रभु यीशु के नाम से और भी बढ़ने लगे। पिता तू दया कर, दया कर, दया कर, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता तू संभाल पिता, तू नया जीवन दे। हालेलुया, हर एक परिस्थिति और स्थिति बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद सारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आमीन।